Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our English grammar class. In this class, we will study the chapter 8, use of a or an. इस chapter में बच्चों हम a और an article का use करना सीखेंगे. उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि vowels क्या होते हैं और consonants क्या होते हैं. ठीक है? तो vowels क्या होते हैं बच्चों? हमने 5 vowels पढ़े हैं पहले से ही. A, E, I, O and U. ये क्या होते हैं? ये 5 vowels होते हैं. और consonants क्या होते हैं? B, C, D, F. मतलब rest of the जो भी letters होते हैं, वो सब क्या होते हैं? Consonants होते हैं. इन 5 letters को छोड़कर. ठीक है? तो we use A before consonant nouns. हम consonants noun के पहले क्या use करते हैं? A. मतलब कोई भी word अगर consonant letter से start हो रहा है, तो हम A का use करेंगे. और अगर कोई vowel noun है, मतलब वो word vowel से start हो रहा है, that is A, E, I, O, U, ये किसी भी letter से start हो रहा है, तो उसके आगे हम N का use करेंगे. ठीक है? अब हमें ये words दिए हैं help box में. इनकी help से हमें लिखना है कि कैसे हमें, इनकी help से हमें बताना है कि ये जो pictures हैं, यहाँ पे AN, A आएगा या N आएगा. ठीक है? अब ये watch दिए, तो यहाँ क्या लिखा है? A, watch. ठीक है? W क्या है बच्चों? Consonant है. W vowel नहीं है ना? W consonant है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? A, watch. अब ये क्या है? ये egg है. ठीक है? तो ये an egg. An egg, E vowel है. इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है? An लगाया है. ठीक है? अब next picture काय की है बच्चों? हमारी butterfly की. ठीक है? तो butterfly, butterfly, B क्या है? B एक consonant है. तो इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है? A, A butterfly. फिर क्या है? Umbrella. तो umbrella, U क्या है बच्चों? U vowel है. इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया है? N, N umbrella. अब ये क्या है? Ice cream, ice cream. एक I क्या है? Vowel है. इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है? N, N ice cream. अब ये क्या है बच्चों? ये kite है. ठीक है? Kite, K, K क्या है? Consonant. तो इसके आगे हमने क्या लगाया है? A, A kite. अब ये क्या है? Horse. Horse क्या है? H से start होता है. H क्या है? H consonant है. इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया है? A. Now next, ये क्या है? ये ox है. Bell, ox. O से start हो रहा है, तो O के आगे क्या? O vowel है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया है? An, an ox. ठीक है? This is an apple. Apple क्या है? A से start हो रहा है. A क्या है? ये vowel है, इसलिए इसके आगे हमने an लगाया है. Now bat. Bat B से start हो रहा है, तो इसके आगे हमने A लगाया है, because B क्या है? Consonant है. Ink pot, ink pot. I से start हो रहा है word. I क्या है बच्चों? Vowel है. तो इसके आगे हमने N लगाया है. N, ink pot. ये क्या है? Fish है. ठीक है? तो fish क्या है? F से start हो रहा है. तो इसके आगे हमने A लगाया है. Because F consonant है. तो हम N का use उनके words के starting में करते हैं. जिन जो words A, E, I, O, U से start हो रहे हैं. और A before the words starting from other letters, जो भी other letters होते हैं, उनसे जो भी words start होते हैं, उसके आगे हम A का use करते हैं. ठीक है? तो I hope so बच्चों, आप सभी को समझ आया होगा. इसकी exercise मैं आपको fill करके send करूँगी. इसमें भी आपको A और N का use करना है. तो आप सभी को इसका use करके देखना है. और आपको इसमें जो भी doubt हो, वो मुझसे clear करना है. Thank you so much everyone.